दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर शिमला संसदीय क्षेत्र की चुनावी रैली को सोलन शहर के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें 17 विधानसभा के 17 भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। मंगलवार को सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली हिमाचल प्रदेश के सोलन में दूसरी रहने वाली है। इससे पहले वे मंडी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के जिला मीडिया सह सचिव मुकेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठोडो मैदान सोलन में 5 नवंबर को होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन में भी बहुत उत्साह है। जनता विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया को सुनने के लिए उत्सुक है। आगे की बात है, 5 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं, उनका चुनावी दृष्टि से प्रवास सोलन में मिला है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में उनकी रैली होने जा रही है, जिसको सोलन का कार्यकर्ता सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके उसकी योजना में लगा है। 19 हमारी कार्य समितियाँ बनी हैं, हर अलग अलग विभाग उस काम में जुटा है। ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, क्योंकि 1 लाख प्लस लोग सोलन के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में जमा होने वाले हैं। शिमला पार्लियामेंट क्षेत्र से सारे लोग, हमारे 17 के 17 कैंडिडेट्स भी उसमें रहेंगे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, या आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो कि इस पार्लियामेंट से माननीय सांसद भी हैं, आदरणीय सुरेश कश्यप जी भी इस रैली में रहने वाले हैं। यानी कि सोलन तैयार है आदरणीय मोदी जी की रैली के माध्यम से उन्हें सुनने के लिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा, और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुझे बड़े गर्व के साथ बताते हुए यह खुशी हो रही है कि हमें भूषण ज्वेलर सोलन को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वी के सिंह से प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड मिला है। हम हिमाचल की समस्त जनता व अपने बहुमूल्य ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं।